हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। सीजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल होने में थोड़ा हमें टाइम लग जाता है। कई बार हम ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसके बाद आगे जो है प्रॉब्लम होती है हमें। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद 45 दिन तक या फिर बोलें तो 2 महीने तक हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो आपको रिकवरी में 1 साल से ऊपर भी लग सकता है। तो इसीलिए आपका ये वीडियो देखना जो है बहुत ज़रूरी है अगर आपकी डिलीवरी सीजेरियन हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि आपको इन्फेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन्फेक्शन से मेरा मतलब है कि जिस जगह पर आपकी जो स्टिचेस लगे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है उस जगह पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, यानी कि लाल लाल हो गया या फिर सूजन जैसा है या पस निकल रहा है, तो आपको जो है बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें उस जगह पर जो है पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है या फिर पस जैसा निकल रहा है, तो देखिए ये चीज़ें बिल्कुल भी पूछने वाली नहीं है। आपको सीधा ही डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया तो आगे जाके प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको शुरुआत के 2 महीने में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद हम लोग सोचने लग जाते हैं कि बच्चे की केयर कैसे कर पाएंगे या फिर आगे जो काम होने वाले हम कैसे करेंगे, या फिर किसी भी तरह की टेंशन हम लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तनाव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी रिकवरी में फिर टाइम लगेगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके आपको टेंशन से दूर रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अच्छी नींद लेनी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे यानी तनाव से दूर रहेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान शुरुआती दिनों में ज़रूर रखें। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीजरन डिलीवरी के कम से कम 2 महीने तक आपको जो है वज़न नहीं उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे के वज़न को जो है उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा वज़न आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक आपके टांकों पे जोर पड़ता है और आपके जो है रिकवरी में भी टाइम लगेगा और आगे जाके जो है प्रॉब्लम बन सकती है। हो सकता है कि आपको उस टाइम में काफ़ी अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं हेल्दी हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम है, पर फिर भी आपको शुरुआत के 2 महीने जो है वज़न नहीं उठाना चाहिए। और अपने बच्चे के वज़न को आप उठा सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी घर के काम या फिर कुछ भारी वज़न जो है ना ही उठाएं तो अच्छा है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है इस टाइम पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपके पेट पर जो है दबाव पड़े। देखिए ऐसे काम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप झुकने वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आपके पेट पर जोर पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके स्टिचेस जो हैं टूट सकते हैं या फिर उनमें जो है सूजन आ सकती है, और अगर वो टूट जाते हैं स्टिचेस तो बहुत पेन होता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अच्छा यही होगा कि आप जो है पेट पर जोर डालने वाले काम शुरुआत के 2 महीनों में बिल्कुल भी ना करें। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सीजरन डिलीवरी के बाद आपको जो है ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से तो आपको थकान ज़्यादा हो जाएगी और साथ ही साथ आपके टांकों पर यानी स्टिच पर भी जोर पड़ता है। तो इसीलिए शुरुआत के 2 महीने में आप अवॉइड करेंगे सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में आपके जो आप सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लिफ्ट है तो आप लिफ्ट का यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपके घर में फर्स्ट सेकेंड फ्लोर है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर ही रहें, ताकि आपको ज़्यादा ऊपर नीचे ना होना पड़े। सीढ़ियों का यूज़ कम से कम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सीजरियन डिलीवरी के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है बाहर का तला हुआ खाना जो है अवॉइड करें, मसालेदार खाना जो है अवॉइड करें, और घर का ही हेल्दी खाना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि सीजरियन डिलीवरी के बाद हमें रिकवरी जल्दी से जल्दी करनी है, अच्छे से रिकवर होना है, तो उसी लिए हमें जो है प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऐसी चीज़ों को अपने खाने में जो है इंक्लूड करना है, और बाहर की तली भुनी चीज़ें या मसालेदार चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे जो है रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान।
शुरुआत के 2 महीने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो है ना हो, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए आपके स्टिचेस हैं अभी और अभी वो पूरी तरह से जो है सही नहीं हुए हैं, तो अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है तो अगर आप खांसेंगे या छींकेंगे तो इसका जो है सीधा जोर जो है टांकों पर पड़ता है और उस पर असर होता है और उस पर दर्द होने के जो है चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे कोई चीज़ ना करें, अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें, कपड़े अच्छे से पहनें या फिर कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जिससे कि आपको सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो सकता है। अगर बुखार हो जाएगा तो आपको वीकनेस आ जाएगी, वो भी इस टाइम पे सही नहीं है। तो सर्दी खांसी और मतलब जो बुखार होने के जो भी चांसेस अगर हो सकते हैं आपको, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, अपना ध्यान रखना। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो आपको जो है कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद ही आपको सेक्स करना है या फिजिकल आप रिलेशन बना सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, उससे पहले आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, यानी आपको पानी जो है अच्छे से पीना है, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, एक तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी रिकवर करेगी, साथ ही साथ कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत हो जाती है डिलीवरी के बाद तो वो नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन होने से भी आपके टाँकों पर जो है जोर पड़ सकता है, तो इसीलिए पानी पीते रहना है। साथ ही अगर आप नई मदर बने हैं तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपके दूध जो अच्छा बनेगा अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हैं तो ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको जो है पानी ज़रूर पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी मत पियो डिलीवरी के बाद वरना आपका पेट फूल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी के फिर आप बहुत देर तक ना पिए ऐसा नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी आपको पूरे दिन पीते रहना है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको कम से कम 15-20 दिन तक टाँकों पर पानी नहीं डलने देना है। अगर आपके टाँके गीले हैं या फिर अब तक नहीं सूखे हैं तो उन पर पानी ना डलने दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपके टाँके सूखेंगे नहीं, उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो या तो उस जगह को आप कवर करें, जो बैंडेज वगैरह आती हैं उस जगह लगाने के लिए वाटरप्रूफ, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक ना नहाएं, 5-10 मिनट में जल्दी से नहाकर आप बाहर निकलें, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके स्टिचेस गीले हो सकते हैं और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद शुरुआत के 2 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो रिकवरी है वो अच्छे से हो। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। साथ ही मैं आगे भी कैसी वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, आगे भी वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो, और साथ ही साथ अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।